चीन की हरकतों से हर वर्ग में चीन की सरकार के प्रति आक्रोश है। निर्वासित तिब्बती भी चीन के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में मैक्लोडगंज में स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत ने चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान एसएफटी कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सिर लटकाकर 50 फीट लंबा बैनर लहराया। दो दिन में तैयार किए गए इस बैनर पर डाउन विद चाइना तिब्बत की आजादी भारत की सुरक्षा अंकित था। वहीं एसएफटी ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चाइना को वोट न करने की अपील भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की है। रिनजिन छोड़न ने कहा कि हम स्वतंत्र देश भारत में रह रहे हैं, भारत सरकार के आभारी हैं जिन्होंने हमें यहाँ रहने को शरण दी है। रिनजिन ने कहा कि तिब्बती गुरु दलाई लामा पर गाना बनाने वाले दो कलाकारों और उस गाने को शेयर करने वाले को चीन सरकार की ओर से सजा सुनाई गई है। हमारी भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग है कि तिब्बत की आजादी को मान्यता दें। स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत की नेशनल डायरेक्टर रिनजिन छोड़न ने कहा कि 23 जुलाई का दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी के लिए खुशी का दिन है, लेकिन तिब्बत सहित अन्य 3-4 देशों के लिए दुख की बात है क्योंकि हजारों लोगों को सीसीपी ने मौत के घाट उतारा है। 1959 में चीन ने तिब्बत में कई तिब्बतियों को मौत के घाट उतारा है। तिब्बत की आजादी भारत की सुरक्षा का हमारा नारा है क्योंकि जब तक तिब्बत को आजाद देश नहीं घोषित किया जाता तब तक भारत सहित नेपाल भूटान या अन्य देश उनमें चीन का घुसपैठ जारी रहेगा। हमारी भारत से यही मांग है कि तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता प्रदान करें। अक्टूबर माह में जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए वोटिंग होगी तो चीन को वोट ना करें क्योंकि चीन द्वारा हमेशा मानवाधिकार कानून की अवहेलना की गई है। मेरा नाम रिनजिन है, मैं स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत की नेशनल डायरेक्टर हूँ। तो आज ये हमने जो बैनर एक्शन किया है वो बहुत ही सिम्बॉलिक है। आज का दिन जो है जुलाई 23rd वो सीपीसी का 99th फाउंडिंग एनिवर्सरी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वैसे तो ये दिन चाइना के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, कम्युनिस्ट चाइना के लिए खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है, पर हम जैसे तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान, सदर्न मंगोलिया, ताइवान, हांगकॉन्ग के लिए ये बहुत ही आज दुखद की बात है क्योंकि सीपीसी का जो फाउंडेशन है उसका जो नींव है वो ब्लडशेड पे है, वो डिक्टेटरशिप पे है और टिरनी पे है। लाखों हजारों की संख्या में लोगों की उन्होंने मौत के घाट उतारा है। तिब्बत में अगर देखा जाए तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा तिब्बतियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा है 1959 को। तो इसीलिए अभी आज हम यहाँ पे हैं क्योंकि जो सीपीसी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए। और जो आप बैनर पे देख सकते हो, मैसेज बहुत ही क्लियर है, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। जब तक तिब्बत एक आज़ाद देश नहीं घोषित किया जाएगा, इंडिया, भारत हो या बाकी के देश हो, नेपाल, भूटान, जो हम अभी देख रहे हैं उसमें चीन का घुसपैठ, उसमें चीन का दबंग आप देखते रहेंगे और होता रहेगा। इसीलिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि ये समय ही सही है तिब्बत को एक स्वतंत्र देश का मानवता देना, और तो और वन चाइना पॉलिसी को रिजेक्ट करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस अक्टूबर को ह्यूमन राइट्स काउंसिल का वोटिंग होगा, मीटिंग होगा, उस समय हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं और बाकी के जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उनसे भी निवेदन करते हैं कि इस ह्यूमन राइट काउंसिल में जब वोटिंग होगा तो चाइना को वोट ना दीजिए, क्योंकि चाइना जो है चीन की तरफ से ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का वो रिकॉर्ड देखेंगे तो हमेशा बद से बदतर ही उन्होंने रिकॉर्ड रखा है। तिब्बत हो गया, इस तुर्किस्तान होगा, आप देख सकते हैं। और रिसेंटली जो हांगकॉन्ग में उन्होंने किया है वो बहुत ही साफ तौर पर जो चीन का जो एक्टिविटी है वो दिखता है। इसीलिए जब तक तिब्बत एक आज़ाद देश नहीं घोषित होगा, भारत सरकार के लिए ये मुश्किलें खड़ी करती रहेंगी और जो डेवलपमेंट के जो रास्ते में है वो उसके बीच में चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। ये 50 फीट का जो पूरा बैनर है और बनाने में हमें लगभग 2 दिन लगा। जब हम कहते हैं एक बार जो हमने ठान ली तो मुश्किल कोई नहीं लगता, बारिश भी हुआ पर हमने उम्मीद नहीं हारी क्योंकि हम यहाँ पे एक स्वतंत्र देश में, आज़ाद देश में रह रहे हैं जैसे इंडिया में, और हम बहुत ही आभारी हैं इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन पब्लिक को क्योंकि उन्होंने हमें, हिज होलीनेस जी को, और हमें यहाँ पे निर्वासित रेफ्यूज दिया है धर्मशाला या बाकी इंडिया में एज अ होल। और जो तिब्बत के अंदर है वो अभी भी चीन
सरकार के द्वारा जो दबंग है उसके अंडर सफ़र कर रहे हैं, उनके अंडर अभी भी वो जेल में डाल रहे हैं। रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दो सिंगर थे, एक सिंगर थे, एक कंपोजर थे और एक जो जिन्होंने म्यूजिक शेयर किया था, उन्होंने गाना केवल हिज होलीनेस के ऊपर लिखा गया था एज अ ट्रिब्यूट। इसी लिखने के लिए, उसी गाने को बनाने के लिए जो जिन्होंने लिखा है उनको 10 साल की कैद सुनाई दी, जिन्होंने गाना गाया है उनको 8 साल की सज़ा दी गई और जिन्होंने गाना को शेयर किया है जो बाकी वी चैट वगैरह में, उनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई। तो आप देख सकते हो अगर एक गाने से चीन सरकार को इतना डर लगता है, एक फ़ोटो हिज होलीनेस के फ़ोटो से उनको इतना डर लगता है। जो आप ये तिब्बतन नेशनल फ्लैग देख रहे हो वो भी बैन है तिब्बत में, तो ऐसे सिचुएशन ऐसे है कि ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का अभी सिचुएशन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसीलिए हम भारत सरकार से और इंटरनेशनल कम्युनिटी से निवेदन करते हैं कि तिब्बत की आज़ादी को मानवता दें और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजन है उनकी रिहाई के लिए हमारे साथ जुड़े इस मुहिम में। धन्यवाद।